फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कमिंग वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं शेयर करूंगा मैंने कैसे एक बार में एलपी एग्ज़ाम को निकाला और मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था, उसके ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। तो जो भी एलपी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो, जरूर देखेगा इस वीडियो को। आपका कुछ सबसे पहले मैंने एक अपने माइंड में सेट कर लिया था कि मैं एलपी एग्ज़ाम को ही फोकस करके तैयारी करूंगा, क्योंकि और मेरा मेन टारगेट एलपी एग्ज़ाम ही था। इसलिए मैंने एलपी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था कि जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दिया तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी मेरा निकल गया था, मगर उसमें रनिंग में मेरा नहीं हो पाया। तो और ऐसे भी मेरा मेन टारगेट एलपी था, तो एलपी का जॉब मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके इस एग्ज़ाम को निकाल लिया। तो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है एग्ज़ाम को लेकर के, आपको कैसे पढ़ना है और आपको कैसे पढ़ेंगे कि आपका मतलब एग्ज़ाम होने के पहले तक आपका कमांड हो जाए कोई भी सब्जेक्ट में, और आप जब एग्ज़ाम दे तो आप इजली एग्ज़ाम में बैठे और कोई भी क्वेश्चन जब आए तो आप इजली सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप CBT 1 का सिलेबस को मतलब आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर प्रॉपर एक अपने ब्लैंक पेज में एक लिख ले, वाइट पेज में, और फिर जहाँ भी पढ़ते हैं आप स्टडी टेबल या कहीं भी स्टडी करते हैं वहाँ पे उस सिलेबस को कहीं भी वॉल पे या कहीं भी लगा ले, ताकि आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखेगा कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो रहा है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको ये हेल्प मिलेगा और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नोट भी आप पेपर में लिख करके अपने वहाँ लगा सकते हैं, ताकि आपको डेली आप जब सोने जाए या कहीं भी बैठे खाली टाइम तो आप रिवीजन कर पाए, देख ले एक बार तो आपका रिवाइज हो जाए। तो ऐसे मैंने किया था जब मैं पढ़ता था, तो और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि आपको सामने दिखेगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपका क्या बच रहा है पढ़ने में, तो आपको ये फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा भी मतलब हेल्पफुल आपके लिए हो पा रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए अपने भाई के चैनल को, और 1K जल्दी पहुँचाना है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब वैकेंसी आई थी तो मैं वहाँ पे लिख दिया था कि 2018 इज़ द फाइनल फॉर मी, और वहाँ पे मैंने टारगेट LP लिखा था जो कि मैं अचीव कर लिया हूँ। तो आप भी एक फुल डेडिकेशन दिखाइए। और मैथ में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया था, तो सबसे पहले मैं देखा कि मेरा कौन कौन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कौन कौन टॉपिक का, और मैंने सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक को पहले कवर किया, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जिस टॉपिक में तो आपको उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे मैंने उसी टॉपिक को कवर किया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बहुत सारे बनाया। RS अग्रवाल को बुक मैंने फॉलो किया था, तो उसको बना करके उसके बाद उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, और फिर जा करके मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हार्ड क्वेश्चन को बनाने लगा। तो ऐसे करते करते मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और उसी दिन मैं उस क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक में पढ़ा था उसके रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी सेट प्रैक्टिस सेट में थे वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो इससे बहुत ही अच्छा मेरा उस टॉपिक में कमांड हो गया, और फिर आगे मैं जब भी प्रैक्टिस करता था सेट तो उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते थे वो इजली सॉल्व हो जाते थे। तो आप लोग को ये फ़ायदा होगा, आप करके देखिए और फिर कमेंट करिएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, ताकि आपका आगे और भी मतलब कोई भी अदर टॉपिक भी रहेगा उसको भी ऐसे ही बेस बना करके चलिए कि मेरा जो हार्ड टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, तब जा करके आप इजी टॉपिक को पकड़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा। स्ट्रेटेजी था मैथ के अकॉर्डिंग, और अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट में बताऊंगा जनरल साइंस के बारे में। और फ्रेंड्स, जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं, तो जनरल साइंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका सिलेबस जो है आपको मतलब क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे जब एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो हम लोगों के समय बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग कोशिश करिए कि बायोलॉजी का जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कर ले, NCERT बुक को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में टाइम दीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाए और आप जब इसमें जो भी पढ़े आप डेली कोई भी चैप्टर तो उसका ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाए कोई भी बुक से, ताकि आपका जो भी पढ़ेंगे आप याद होते जाएगा
और आपका क्वेश्चन माइंड में सेट होता जाएगा कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन ऐसे आया था, तो आप उसमें आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिएगा। फिर उसके बाद बायोलॉजी आप सबसे पहले ख़त्म करिए, फिर उसके बाद फिजिक्स में आप एक कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, जो भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसा करके आते हैं। फिर लाइट होता है, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब आते हैं, तो ये सब टॉपिक को कमांड कर लीजिए और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आप पढ़े, डेली पढ़े, जो भी पढ़े, आप जरूर प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। कुछ भी हो जाए आप प्रैक्टिस सेट मत छोड़िएगा, और आप कोशिश करिएगा कि जितना कुछ मैं पढ़ा हूँ वो डेली रिवीजन कर ले थोड़ा सा, आधा एक घंटा जो भी, तभी जाके आपका माइंड में वो सेट होते जाएगा और आपको आगे आप भूलोगे नहीं और आपका एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मुझे याद है सारा कुछ। और केमिस्ट्री में मैं ये कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा आपको बुक मिले उससे पढ़िए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए क्योंकि केमिस्ट्री का उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है और बायोलॉजी में थोड़ा डीपली पूछता है, इसलिए मैं आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करिएगा। हम लोगों के समय बायोलॉजी ज़्यादा पूछा गया था, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा जनरल साइंस को पढ़ने के लिए, मैंने ऐसे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इतना डेडिकेशन दिखाइए इस जॉब को लेकर के, तैयारी को लेकर के, कि आपको खुद लगने लगे कि हाँ मैं अब इस जॉब के लिए कुछ भी, मतलब मैं जो फोकस किया हूँ उसके लिए मैं पूरा तरह तैयारी कर रहा हूँ और आगे मैं इस जॉब को इजली निकालूंगा। ये आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ऐसा फील होने लगे कि हाँ मेरा जो डेडिकेशन है इसके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा जॉब 100% निकलेगा, ये माइंड में सेट करके पढ़िएगा। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये जॉब नहीं निकाल पाएंगे, ज़रूर निकालेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ तो आप भी एक दिन निकालेंगे, और कोई भी निकाल सकता है जो पूरा 100% फोकस होकर तैयारी करेगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप तैयारी करते रहिए और फुल डेडिकेशन दिखाइए। मैं रीजनिंग को लेकर ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी टॉपिक में डाउट है, और YouTube में बहुत सारे चैनल है, उसको फोकस करके आप अपना जो भी रीजनिंग में आपको डाउट लगता है वो आप जरूर ये कर ले, मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, और फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो अपना एक नोट्स बना ले, ताकि आपको फाइनल रिवीजन के टाइम आप वो ईजिली रिवाइज कर पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे जल्दी जल्दी। तो आप रीजनिंग में ये कर सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब YouTube में बहुत सारे चैनल जो रीजनिंग का अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो वहाँ से देखिए और आपको फ़ायदा होगा उससे। जनरल अवेयरनेस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आप जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट बुक को फॉलो करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हम लोगों के टाइम ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को फॉलो करें लूसेंट, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो। और बहुत सारे मार्केट में बुक है उससे पढ़िए, ताकि क्योंकि जनरल अवेयरनेस कभी भी ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपका 100% कमांड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट सिलेबस होता है, इसमें आपका बहुत सारा है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बहुत सारे है, फिर जाकर के आपको इसमें कमांड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। लेकिन हम लोगों के समय टेक्निकल रिलेटेड मतलब एग्ज़ाम था, तो इसमें ज़्यादा इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो आप इसमें लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है लूसेंट। अवेयरनेस के बारे में और कुछ मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी मतलब पढ़ रहे हैं डेली, तो आप वो प्रैक्टिस से ज़रूर लगाइएगा उसके रिलेटेड, तभी आपका दिमाग में माइंड में क्वेश्चन मतलब आपके क्वेश्चन सेट होते जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे सेट फाइनल, तो आपका इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करंट अफेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि आप दो साल के करंट अफेयर को फोकस करिएगा, और एक साल का करंट अफेयर तो मस्ट है कि आपको याद रहना चाहिए। तो आपके और मैं ऐसे पढ़ता था, जैसे कि मैं डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता था तो मैं एक नोट कॉपी में एक नोट कर बनाया हुआ था अपना, उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो भी मुझे याद होता गया, और एक ही क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट होने लगता है तो आपका माइंड में वो याद हो जाता है। तो ऐसे मैंने तैयारी किया था करंट अफेयर को लेकर के, और मैं एक नोट्स बना लिया था जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता था, और फाइनल जब रिवीजन के टाइम में बैठा तो बहुत ही फ़ायदा हुआ मुझे उस नोट्स से। तो ऐसे प्रिपरेशन मैंने किया था और 1 ईयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था,
और जो भी सेकेंड ईयर के थे उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट को ही मैं पढ़ा था। तो करंट अफेयर आप ऐसे पढ़ सकते हैं और नोट्स ज़रूर बनाइएगा कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद हो जाता है, 90% याद हो जाएंगे आपको, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या था फॉर CBT 1 के लिए, और ये अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसके जो मैं बताया तो इसमें आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा, मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पहुँचाना है अपने भाई के चैनल को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।